व्यूअर्स, मेरा नाम निसार अहमद जमाली है और ये मेरी सेकंड वीडियो है। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। मैं आपको आज एक छोटी सी अहम सी बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ गूगल के बारे में। गूगल आपका डेटा कैसे सेव करता है, गूगल अपनी आईडी से आपका डेटा कैसे फेच करके अपने डेटाबेस में रखता है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद और नुकसान साबित हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। कोई भी एंड्रॉयड का मोबाइल जो है, जो आजकल टच मोबाइल जो चल रहे हैं, जो एंड्रॉयड नहीं समझ पा रहे हैं, टच मोबाइल वाले में गूगल की आईडी रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम जीमेल भी कहा जाता है। जीमेल उसमें जो ईमेल है वो क्रिएट होती है, तो वो एक गूगल की आईडी बन जाती है उसमें। वो आप क्या करता है, वो आपके मोबाइल में जब तक इंस्टॉल रहता है तब तक आपकी डेटा जो है वो गूगल के पास सेव होती रहती है। जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप सर्चिंग है, आपकी लोकेशन है, आपकी गैलरी है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपके मोबाइल में हैं वो गूगल किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कभी भी गूगल की आईडी और पासवर्ड किसी के भी मोबाइल में लॉगिन ना करें। मैं दोबारा बता रहा हूं कि गूगल की आईडी या जीमेल किसी की मोबाइल या कंप्यूटर में कभी भी लॉगिन ना करें। अगर कर रहे हैं तो इस चीज़ का आप श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने वो आईडी बंद कर दी, लॉग आउट कर दी और पासवर्ड वहाँ सेव नहीं है। अदरवाइज़ वो शख्स या कोई भी ब्लैकमेलर आपको किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है। जैसे कि अगर आईडी पासवर्ड उसको हाथ आ गया, ये वो लॉगिन करके आपकी तस्वीरें, आपके कॉन्टैक्ट, आपके लोकेशन, आपकी किस किस डिवाइस में आपकी आईडी लगी हुई है, वो कहाँ कहाँ ऑपरेट हो रही है, वहाँ क्या क्या सर्चिंग होती है, वो सारा एक्सेस कर सकता है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे अनसिक्योर चीज़ है वो आपकी डेटा है। जैसे कि एक आपकी घर की फैमिली की तस्वीरें आपकी सेव है गूगल फोटोज़ में, तो वो जीमेल के थ्रू एक्सेस करके वो सारी तस्वीरें लेके आपको ब्लैकमेल कर सकता है। बराए मेहरबानी अपनी जीमेल की आईडी कहीं भी यूज़ ना करें, और यूज़ करें तो सिर्फ अपने मोबाइल पे करें। जब आप अपना मोबाइल सेल करें या किसी और दोस्त को दें, आपने उसको देने के लिए हमेशा के लिए दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं कि भाई ये गिफ्ट है या वॉट एवर, तो गूगल की आईडी आप लॉग आउट कर दें या आप मोबाइल को रीसेट कर दें, ताकि आप गूगल की लोकेशन वगैरह, फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स आप वो एक्सेस ना कर सकें किसी भी वक्त। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने गूगल अकाउंट को टू स्टेप वेरिफिकेशन मिल जाए। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। ये एक पासवर्ड ही है, फर्स्ट टाइम पासवर्ड जब एक्सेस हो जाता है तो जब वो डायरेक्ट ही आईडी खुल जाती है। टू स्टेप वेरिफिकेशन में ये होगा कि वो पासवर्ड आपको किसी को पता हो भी जाए, लग भी जाए, तो वो आपकी आईडी में एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए सेकंड वेरिफिकेशन गूगल रिक्वायर्ड करता है, जैसे कि मोबाइल में कोड भेज देगा, ईमेल में कोड भेज देगा, या ऑथेंटिकेशन एक कोड्स होते हैं जो आप बैकअप कोड्स गूगल देता है, वो आप लिख के कॉपी में घर पे कहीं भी रख सकते हैं। जिस दिन आपके पास वो ऐप ना हो या मोबाइल ना हो तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इस हवाले से कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या हेल्प चाहिए, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इस हवाले से गाइड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।